अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू माय चैनल पर हू लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा जूलॉजी फर्स्ट ईयर का जो आज आपका पेपर हुआ है उसके तमाम आंसर सीरीज बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी आज न्यू होंगे जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे उनको ये कहना है कि मैंने जो आपको रीजनिंग क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे अल्हम्दुलिल्लाह आपके 6 रीजनिंग क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 4 जो क्वेश्चन है वो जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे उसमें से आए थे। सिर्फ इस स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर एक ये वाला नहीं आया था, ये बहुत आसान से था, ये आप अपने अल्फाज में कर सकते थे, ठीक है। और एक और था इंसेक्ट वाला जो ब्लड होता है उनका वाइट, इस तरह का कोई एक क्वेश्चन था वो नहीं आया था। अदरवाइज जितने मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे रीजनिंग के आंसर्स के साथ वो तमाम आए थे, और साथ साथ जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके पेपर्स में आए थे। अगर आपने मेरे गैस पेपर से तैयारी की होती तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाता, अगर नहीं भी किए तो आपने कहीं और से किया होगा तो आपका जरूर भी अच्छा गया होगा। साथ साथ ये कहना चाहता हूँ आपको अगर तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद होगी, आप जाकर तमाम लिंक से देख सकते हो। और साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो बहुत आसान तरीका है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मैसेज नंबर शो हुआ होगा, आपने जस्ट मुझे जाकर उसमें मैसेज कर देना है। मैसेज क्या करेंगे, अपना नाम अपना क्लास तो आपके पास लिंक शो हो जाएगी। आप प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप साइंस वाले ग्रुप को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स के हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वाले ग्रुप पे ऐड होना है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो चले आए वक्त जाहिर किए बगैर तमाम आंसर्स एमसीक्यूज के आंसर्स कीज देख लेते हैं कि कौन से आपके ठीक हुए। तो आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन इन कराची जूलॉजी का आज पहला पेपर था, एमसीक्यूज कोड नंबर 1 के मैं एमसीक्यूज सॉल्व करवा रहा हूँ। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं, ठीक है। तो चलो आए स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आपके पास एमसीक्यूज मौजूद होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप आसानी उससे देख करके उसे आराम से टेक लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड इज, हमारे पास पहले का ऑप्शन नंबर डी है, स्क्विड है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एम्बियोसिस इज कॉज बाय, हमारे पास किससे कॉज होता है ये, हमारे पास एन अम्बिबस होता है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। फिर लिखा हुआ है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ हमें मिलता है, ये स्टार फिश में मिलता है, ठीक है, तो स्टार फिश का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द एयर ऑलवेज प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग इज, तो हमारे पास आ जाएगा इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है द ह्यूमन हार्मोन्स आर सेंसिटाइज्ड बाय दिस, थोड़ा सा इसमें ब्लर है तो नज़र नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्राइड आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किस में होता है, हमारे पास बी सेल में होता है, तो हमारे पास ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है आर बी सीज आर प्रोड्यूस इन, आर बी सीज कहाँ प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में होता था, हम बोन मैरो में किक लगा देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है द ओल्डेस्ट फॉसिल बर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्कियोप्टेरिक्स आ जाएगा, तो इस पर किक लगा दीजिएगा, ए पे लगा दीजिएगा। द रिस्पिरेटरी पिगमेंट इस इन मसल्स एज, तो हमारे पास आ जाएगा मायोग्लोबिन, तो ये आ जाएगा हमारे पास मायोग्लोबिन। उसके बाद आ जाएगा द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम एज, तो हमारे पास इसका जो आंसर्स होगा वो हमारे पास होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10 का, एमसीक्यूज नंबर 10 का। फिर उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 11 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो हाइड्रिया है, ठीक है, तो 11 में आपने हाइड्रिया लगा देना है। द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल, इसमें आ जाएगा हमारे पास पैरासाइटोलॉजी, तो ये हमारे पास ये वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखा डाइजेशन टेक प्लेस बाय, कहाँ होता है हमारे पास, इसमें आ जाएगा एंजाइम्स में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद आ जाएगा कोएंजाइम कंसिस्ट करता है बेटा हमारे पास विटामिन, एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी आर मोर एक्टिव एट 37 फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट 37 सेल्सियस, ठीक है, 37 सेल्सियस होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ इनक्लोजर इन मैन एस, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 8 इसका करेक्ट आंसर, थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, अदरवाइज इसके ऑप्शन जो मैं लगाए आपको इंशाल्लाह बिल्कुल करेक्ट हैं और ठीक ही होंगे। साथ साथ आपको ये कहना चाहता हूँ इसके जो लॉन्ग इसके जो क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपने ये ज़रूर बताना है कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हुए हैं, ठीक है। तो हम नीचे आ जाते हैं, और नीचे आ करके मैंने जो ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग क्वेश्चन में ये भी प्रोवाइड किया था,
आपको मैंने रीजनिंग पोर्शन ये भी प्रोवाइड किया था, ये भी प्रोवाइड किया था, ये भी एटलीस्ट आपने 4 तो करना ही था इसमें से, तो ये 4 तो क्वेश्चन आपको मिल गए थे। और नॉन रीजनिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है। तो चलें, तो आपने तमाम MCQs देख लिए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट्स में जाकर बताना है कि आपके कितने MCQs ठीक हुए, ताकि पता चल सके कि आपके MCQs ठीक अच्छे कितने हुए हैं। और साथ साथ लाइक कर दीजिएगा ताकि ये तमाम वीडियोस बाकियों तक भी पहुंच सके, क्योंकि आप लाइक करोगे तो ये आगे तक वीडियोस पहुंचेगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।